हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज बात कर रहे हैं डेकाडोराबोलिन काम कैसे करता है इस चीज़ की। बेसिकली डेकाडोराबोलिन हो या फिर और भी कोई स्टेरॉयड हो, वो कैसे काम करता है, उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कई लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आखिर ये चीज़ें जो हैं वो काम कैसे करती हैं। तो हम डेकाडोराबोलिन के बारे में बात करेंगे, बाकी सब चीज़ें भी वैसे ही काम करती हैं। तो जब डेकाडोराबोलिन आपके बॉडी में जाता है, तो चूंकि वो उसका नाम है नैंड्रोलोन डेकोनेट, ठीक है, डेकाडोराबोलिन तो उसका एक ब्रांड नेम है, जो उसका नेम है वो नैंड्रोलोन डेकोनेट है। तो इसमें जो नैंड्रोलोन है वो कंपाउंड का नाम है, जो डेकोनेट है वो ईस्टर है। तो जो डेकोनेट ईस्टर है वो काफ़ी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है उसकी। तो सबसे पहले जब ये बॉडी में जाता है, तो ये मसल के थ्रू आपके ब्लड में जाता है। और ब्लड में क्या होता है कि यहाँ पे जो ईस्टर लगा है, जो डेकोनेट ईस्टर लगा है, वो ईस्टर डिटैच होना चालू होता है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ। कई लोग इसमें इंटरेस्टेड हो भी सकते हैं, कई लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि इससे मेरे को क्या मतलब है, कि वो कैसे काम करता है, वो काम क्या करता है, ये ज़्यादा जरूरी। तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे इसी वीडियो में। आपने यदि अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जब वो ब्लड में जाता है तो ईस्टर डिटैच होना चालू होते हैं धीरे धीरे। और ये ईस्टर अपने, जैसे कि आपने 50 mg की जो डोज ली है, तो उसका जो ईस्टर है डिटैच होते होते 25 mg तक वो डिटैच होगा 14 डेज में। ये 14 डेज उसकी एक हाफ लाइफ है, जिसमें वो अपनी जो प्योर जो क्वांटिटी थी, पहले की जो क्वांटिटी थी, उसका हाफ रह जाता है इस तरीके से। फिर जो हाफ बची क्वांटिटी है उसको और 14 डेज लगेंगे, तो 25 mg बची है उसकी हाफ क्वांटिटी, यानी 12.5 mg नेक्स्ट 14 डेज में वो डिटैच होगा। और जैसे जैसे ईस्टर डिटैच होते जाते हैं तो कंपाउंड आपके ब्लड में आता जाता है और फिर वो स्टार्ट होता है अपना काम करना, ठीक है। अब ये इसमें और ज़्यादा डीप जाया जा सकता है कि जब वो कंपाउंड है तो वो कैसे आपके DNA के अंदर रिसेप्टर से ज़्यादा जाके बाइंड होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं आपके रिसेप्टर में। रिसेप्टर्स जो आपके फैट सेल में भी होते हैं, आपके मसल्स में भी होते हैं, बोन्स में भी होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे जाके कंपाउंड बाइंड होता है, तभी वो अपना काम कर पाएगा, ठीक है। तो वो रिसेप्टर है, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक रिसेप्टर है जिसमें जाके वो चीज़ें जब बाइंड हो जाती हैं, उसके बाद ही वो अपना काम कर सकती है। अपना काम करने के बाद वो वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा ईस्टर आता है, वो वहाँ बाइंड हो सकता है, कि इस तरीके से ही काम होता है। अब कई लोग सोचते हैं डेकाडोराबोलिन को रनिंग में यूज़ करने के लिए, कि रनिंग में उसका क्या यूज़ कर लें। तो डेकाडोराबोलिन का रनिंग में कोई खास यूज़ नहीं है। बेसिकली डेकाडोराबोलिन क्या करता है, आपके ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करता है। लेकिन आपको पहाड़ों पर या ऊपर नहीं दौड़ना है, आपको माउंट एवरेस्ट में दौड़ नहीं लगानी है, आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत कम फ़ायदा हो सकता है, और हो सकता है कि नुकसान जो इसके होते हैं वो हो जाए, ठीक है। तो उससे उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको रनिंग में इस चीज़ के लिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या, ये जो करता है नाइट्रोजन कंटेंट बॉडी में बढ़ाना, इस तरीके की चीज़ें, ये एक काम जो करता है वो आपकी बोन को स्ट्रांग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जब एज होने लगती है तो हड्डियों का क्षरण होने लगता है, ठीक है। फिर कैल्शियम देने से काम नहीं बनता, तो इसमें इस चीज़ को दिया जाता है। तो ये जो डेका है वो पेन रिलीफ का काम करता है वहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, तो स्पेशली उनको दिया जाता है, फीमेल्स को मोस्टली दिया जाता है ये, ठीक है। मेंस को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यदि मेंस को दिया जाएगा तो अब मेन को देने में क्या है कि उसको फिर आपको टेस्टोस्टेरोन भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। तो इसलिए सब चीज़ों की एक थेरेपी जैसी बन जाती है, तो वो चीज़ें नहीं दी जाती, ठीक है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से भी ये काम किया जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन भी ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। तो TRT आपने सुना होगा, कुछ लोग TRT पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं उनको TRT के लिए, क्योंकि वो जो है काफ़ी कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उनको TRT के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, ये चीज़ है। तो आज आपने ये चीज़ समझी कि कैसे डेकाडोराबोलिन काम करता है और क्या काम वो करता है। अच्छा, अब उसका जो मेन काम है वो ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा बॉडी बिल्डिंग में है, ना कि रनिंग में, ठीक है। रनिंग में आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करेगा। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी बॉडी जो हो हैवी हो, और हैवी होगी तो फिर इससे दिक्कत ये होगी कि फिर आप रनिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मसल्स देता है, मसल्स गेन करवाता है। तो मसल्स का भी एक वेट होता है,
जब मसल्स आएगी तो भी आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका काफ़ी वेट इंक्रीज़ हो। आपने देखा होगा जिनको रनिंग करनी होती है बहुत ज़्यादा मस्कुलर्स नहीं होते वो, ठीक है, तो वो इस चीज़ों का, इन टाइप की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि कुछ खास प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें कई जगह बैन होती हैं, कई जगह नहीं भी होती बैन, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ किस चीज़ की बात है। जैसे ओलंपिक में इस टाइप की कोई भी चीज़ें वो सब बैन होती हैं, ठीक है, वहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते। आर्मी का अपना अलग सिस्टम है, वो इस चीज़ के लिए शायद टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसलिए वो टेस्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों का। और वाकई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कई डॉक्टर पता नहीं क्यों इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको लगता है कि अब चूंकि इसमें पावर है ये पावर आपको दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है गैस। पहली बात, 50 mg की जो डोज़ है पर 2 वीक में, जो ये थेरेपिक डोज़ होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होती, और हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आप जो यंग लोग हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत है। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी भी नहीं यदि आप अच्छे से हेल्दी फूड खाओगे, और जो दूसरी वीडियोज़ मैंने इस पर बनाई वो आप देख के अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग में ये जो डोज़ है 50 mg/2 वीक या फिर 50 mg/वीक, इस तरीके की कोई डोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बजाय ऐसी डोज़ लेने की आप उसको लो ही मत, वो ज़्यादा अच्छा है। और डेका कभी भी विदाउट टेस्टोस्टेरोन नहीं चलाया जाता। आपको विदाउट टेस्टोस्टेरोन डेका चलाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो कम कर देगा बॉडी में। जो मेल लोगों के लिए जो सबसे जो ज़रूरी टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन्स है। नैंड्रोलोन जैसे हार्मोन्स मेल की बॉडी बनाती नहीं है और उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें जो आप एस्टा प्रूट कर रहे हैं, तो यदि वो टेस्टोस्टेरोन ही कम कर देगी तो फ़ायदा क्या रहा, ठीक है, फिर आपको टेस्टोस्टेरोन भी लेना पड़ेगा। तो वो सीधे बॉडी बिल्डिंग की बात पहुंच जाती है, ठीक है। तो यदि आपको, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और आप फिर आपको उससे साइकिल चलानी, वैसे ये जो साइकिल है ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप गर्मी में चलाओ, ठीक है, क्योंकि गर्मी में बल्किंग के लिए बहुत सारी जो कैलोरीज है वो खानी पड़ती है, और इतनी गर्मी पड़ रही है, यदि आप कैलोरीज इतना इनटेक बढ़ा दोगे तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगेगी। प्लस ये जो हार्मोन्स हैं ये भी आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देते हैं, तो आपको और ज़्यादा गर्मी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी यदि कुछ लोग करना चाहते हैं तो आप ट्रेनर की हेल्प लो, अपने जो भी आपका ट्रेनर है जो एजुकेटेड है, जो जानता है इन सब चीज़ों के बारे में, उसकी हेल्प लो। यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। इंस्टाग्राम का नीचे इंस्टाग्राम की लिंक पड़ी है, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ आप जाके बात कर सकते हो मुझसे। इसकी भी अपनी एक फ़ीस है, क्योंकि अब जैसा कि ट्रेनर और प्रोफेशनलिज्म की बात हो जाती है तो वहाँ वो चीज़ फ्री में नहीं हो सकती। यहाँ नॉलेज मैं आपको फ्री में देता रहता हूँ और वो चीज़ आपको वैसे ही मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप चाहो तो मेरे को दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। वो चीज़ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है, उसमें जनरल ऐसी ही बातें मिलती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिए, कमेंट में पूछते रहिए जो भी आपको पूछना है। मैं जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करता रहूँगा उसका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।